हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन बार्ड विंग। यह मेरा 28 पोर्शन फिंच का केज। ये अभी तैयार नहीं है, इसका काम थोड़ा बाकी है। ठीक है, इसका भी वो गेट के चारों तरफ जीआई लगाने का काम हो रहा है। देख रहे हैं, लगाने का काम हो रहा है। इधर बाकी है, इधर भी लगाना है। और ये है मेरा बाजिस का 20 पोर्शन केज। ये कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, गेट लगाना हो गया और एक लॉक लगाना बाकी है। ठीक है, वो दो एक दिन में लॉक भी लग जाएगा। आज इस वीडियो में बाजिस का केज का परफेक्ट साइज के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ओके, तो देखते रहिए। बाजिस को आप जितना बड़ा केज दोगे ना, वो लोग उतना खुश रहता है। ठीक है, मगर मेरा ये जो केज है ना, इसके अंदर जो पेस है उसमें दो बाजिस, मेरा मतलब है एक पेयर बाजिस, एक मेल और एक फीमेल, दो बाजिस खुशी खुशी रह लेगा और उस लोगों का ब्रीड करने में भी कोई मसला नहीं होगा। एक केज मेरे ख्याल से तो ठीक है। ठीक है, दो पेयर मेरा मतलब है एक मेल और एक फीमेल बार्ड्स को रहने के लिए काफ़ी है। ठीक है, देखते हैं कितने। दोस्तों, मेरा केज जो साइड है ना, जो लॉन्ग है, वो है तकरीबन 23 इंचेस, ये 2 फुट के आसपास, 2 फुट ही था। वो मुड़ने के लिए 1 इंच मेरा इधर से उधर हो गया, तो 2 फुट। ठीक है, और जो इधर से इधर तक हुआ 2 फुट। ठीक है, अब दो बाजिस, एक पेयर बाजिस जब इसके अंदर रहेगा ना, वो जो मटकी है, जो ब्रीडिंग मटकी होता है, वो तो कोने में रह जाएगा। तो जितना पेस होगा वो दो बाजिस के उड़ने के लिए काफ़ी होगा। 2 फुट में वो लोग बहुत खुशी खुशी रह लेगा। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों इधर से कितना है। फ्रंट साइज में ये है दोस्तों तकरीबन 1 फुट 1 इंच, एक फुट ही पकड़ के चलते हैं, 1 फुट। इधर से इधर तक है 2 फुट, इधर से इधर तक है 1 फुट। अभी देखते हैं इसका लंबाई कितना है, ऊपर से नीचे तक इसका कितना माप है। ठीक है, अभी ऊपर से नीचे तक हो गया आपका तकरीबन 16 इंचेस के आसपास, और 16 इंच, 16.5 इंच के आसपास, 1.5 फुट से थोड़ा कम। ठीक है, 1.5 फुट से थोड़ा कम, मतलब ऊपर से नीचे तक। तो ये हो गया 1 फुट, 1 फुट इधर से इधर हो गया 2 फुट, और इसके अंदर जो पेस होगा वो बाजिस के लिए उड़ने के लिए काफ़ी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।